अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, सबको मेरी तरफ से दिल्ली ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को और अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। तो बहुत खूबसूरत दिन है आज, रोज़े रखने के बाद ये हमें गिफ्ट मिलता है ईद का, जो हम ईद मनाते हैं माशाल्लाह। तो बच्चों की ईद होती है, बच्चे हो चुके हैं तैयार। मीबू भी आपको भी दिखाते हैं, मीबू बड़ी प्यारी माशाल्लाह तैयार हुई है। मुन्ना भी बड़ा प्यारा तैयार हुआ है सारे। तो मैंने कोई नहीं अभी कपड़े वगैरह पहने, क्योंकि अभी काम वगैरह करना है सारा घर का, और उसके बाद देखेंगे। अभी मैंने किचन वगैरह अपना साफ़ करना है, तो साथ साथ मैं खाना भी बनाती हूँ, किचन भी साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद आपको खाना भी दिखाते हैं। तो फिर ईद की जो भी रूटीन होगी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना है और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना है। ये मैं शुरू में ही आपको बता दूँ, थैंक यू सो मच होगा आपका, ढेर सारा, इतना सारा आपका थैंक यू होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल भी आपने रखना है, जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखता। तो अपना ख्याल, अपनी केयर खुद करनी चाहिए, ठीक है। तो ईद का मौका है, खुशी का दिन है, मैंने कहा ईद का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सब यहाँ पे तैयार हो गए। लाहौर का मौसम बड़ा प्यारा, और हल्की हल्की बारिश भी हुई है, और बड़ा प्यारा सा मौसम है। तो मौसम भी आपको दिखाती हूँ और खाना भी बनाती हूँ साथ साथ। पहले मैं अपना पूरा घर साफ़ कर लूँ, क्योंकि घर मेरा बहुत गंदा हो गया, तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। अभी मैं सबसे पहले घर साफ़ करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, ठीक है। तो मेरे साथ ही आपने रहना है। हमारे किचन की हालत हो रही है कुछ यूँ, करने लगे हैं किचन की सफाई। सफाई के बाद आपको प्यारा सा अपना किचन दिखाते हैं। फ़िलहाल तो यूँ हो रही है क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा, पेन बहुत हो रही है मेरे हाथों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि किचन को साफ़ कर पाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना, हरी मिर्चों का और टमाटर इस तरह से ऊपर बिछा के इसको आपने दम पर लगा देना है। उसके बाद इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देने हैं। देखें कितनी मज़े की। उसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च, सुरख मिर्च जो होती है, नमक और काली मिर्च बाद में ऐड करेंगे दही के। ऑफिस तो मैंने कर लिया सारा साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। किचन भी कर लिया है, किचन भी दिखाते हैं। कढ़ाई हो गई तैयार, हमारी कढ़ाई तैयार हो गई, और हमारा किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखें, किचन भी नीट एंड क्लीन और कढ़ाई भी तैयार। अब हम खाने लगे हैं खाना। देखिए कितनी मज़े की हमने कढ़ाई तैयार की, ये देखिए। ये घर पिज़्ज़ा, इनकी एक बड़ी अच्छी डील है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले ये सारे हैं ना, इनको ये फ्री ड्रिंक्स देते हैं साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सारे दोस्तों नूं ईद मुबारक, भैणां भरावां सारिआं नूं ईद मुबारक। हर मुल्क, हर बंदे वास्ते, हर जनावर वास्ते, सब वास्ते दुआ कीती भई। अल्लाह मियां हर इक दी तंदरुस्ती ते हर इक नूं तंदरुस्ती ते दुआ दा फरमावे। सबको ईद मुबारक है हमारी तरफ से। खैर मुबारक। अब अम्मी अब्बू से मिलकर अब हम वापस घर जा रहे हैं। यार देख, अभी जाएंगे। लेकिन इस टाइम इतना वाजह नहीं नजर आएगा, सामने नजर तो आ रहा है। लाहौर का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। हाँ,
बड़ा प्यारा प्यारा मौसम, यहाँ पे मेहमान भी जा रहे हैं जी। जूम करके देखते हैं अगर आता है तो, नहीं इतना क्लियर नहीं आ रहा। हाँ इसको भी बेचारी को धो लें। अच्छी अच्छी सी ईद मनाए, अल्लाह हाफिज। चले बाय, अल्लाह हाफिज। फिर अब नहीं लड़ो। यहाँ पे खाना लग गया, सब खाना जी। व्यूअर्स, हमने कढ़ाई बनाई और साथ मीठी सेवइयां, और अब हम खाने लगे हैं खाना रात का, क्योंकि दोपहर को तुमने खाना नहीं खाई है। नानू के घर गए हुए थे मुन्ना और मीरू। मीरू इधर देखो, मीरू खाई तो नहीं, इसलिए मीरू नाराज है जी, कह रही मुझे बाइक लेके चले। मैंने कहा लेके चले, शॉपिंग मजा आ रहा है। तभी हम खाना खाने लगे हैं, खाना खाने के बाद फिर शॉपिंग होने दी वाली है, चाय पियेंगे और फिर क्या कहते हैं हम जरूर चलते हैं, व्लॉग एंड भी करेंगे। बंदर जाके देख बात नहीं मामा, घर पे इतनी बड़ी बंदर बैठी है, मामा भी कह रही हम ना है, बहना को ऐसे नहीं करते, बिल्कुल नहीं लड़ते। चले आए खाना खाने, क्या जरूरत है। ओ मेरा बेटा लिशबा, कितनी प्यारी लग रही हो। वाह जी वाह, ईद मुबारक। कितनी प्यारी पिन लगाई हुई है लिशबा ने सूट के साथ। मरियू मरियू उससे भी प्यारा लग रहा है। मरियू 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 मरियू, और छोटा बच्चा, छोटा बच्चा तो अच्छे देखेंगे आज, छोटे बच्चे की। वाह क्या बात है मरियू की, कितना प्यारा पर्च। वाह 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 रौनक लग गई छोटे बच्चे के आने से, ना छोटे बच्चे के आने से रौनक लग गई। जी व्यूअर्स, आखिर ईद भी गुजर ही गई, ईद का दिन भी गुजर ही गया, और जो भी दिन आता है वो गुजर जाता है। देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी प्यारी, मैंने ये सूट पहना था सिंपल सा, सारा दिन तो मैंने बर्तन धोए हैं घर के, सारा दिन मैंने आज बर्तन धोए हैं, दो दिन के बर्तन जमा हुए हुए थे, तो मैंने सारा दिन आज बर्तन धोए हैं और मैं थक गई हूँ। इस टाइम मेरी कोई हालत नहीं रह गई, खाना बना के अब मैं सबको खिला के फारिग हुई हूँ। तो अभी मेरी छोटी बहन आई है, बच्चे आए उसके साथ, मैंने कहा बैठे तो मैं अपने ब्लॉग का एंड कर लूँ, आप लोगों को फिर से ईद मुबारक कह दूँ। और आज मैं रो भी पड़ी थी, बल्कि रोई भी हूँ, पड़ी नहीं थी, क्योंकि आज 10 सालों बाद मेरी ज़िंदगी की ये पहली ईद है जो मैं अपने घर नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी, क्योंकि वो घर जिसको मैंने इतने प्यार से सजाया, पता नहीं वहाँ से ऐसे ही आ गए हम इधर, और एक इदारे के अंदर, एक स्कूल के अंदर मैंने ईद गुजारी। आज ज़िंदगी की पहली ईद है मेरी, और 10 साल गुजर गए हैं, तो मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी, यानी कि कोई भी ईद मैंने अपने घर से बाहर नहीं गुजारी। इवन कि अपनी अम्मी के घर भी मैं दूसरे दिन जाती होती थी, और थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए बैठ के तो मैं वापस आ जाती। इंसान दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाए, जहाँ मर्जी भाग ले, लेकिन जो सुकून उसको अपने रूम और अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं होता। ये शायद आप लोग मेरी बात से इत्तफाक कर रहे होंगे, ये कर रही होंगी, तो कहीं भी आप चले जाएं, सुकून आपको अपने रूम में ही आके मिलता है। तो आज सारा दिन बस मैं काम करते रही, सारा दिन मैंने काम किया घर का, ना इधर किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा धोए हैं, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सैड भी हो गई कि मैं अपने घर नहीं हूँ आज। मैं गई थी कल अपने घर ना चांद रात वाले दिन, तो घर की हालत देख के फिर मेरा और दिल खराब हुआ, तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। तो 10 सालों बाद आज घर से बाहर, क्या हुआ? नहीं लड़ो ना, लड़ो ना, मैयू आप लड़ रहे हो, इधर आओ मैयू, मैयू इधर आओ, ये देखो, हेलो बोलो, ईद मुबारक बोलो, हेलो। तो आप लोगों की कैसी ईद गुजरी ज़रूर बताइएगा, क्या क्या आपने पकवान पकाए ये भी ज़रूर बताइएगा। मैंने तो कुछ नहीं, सिंपल सी एक कढ़ाई बनाई और सेवइयां बनाई थी, खिला दी सबको, क्योंकि मेरे हाथ इतने दर्द करते हैं, मेरे से कटिंग तो होता नहीं है। देखिए आपको शायद मेरी उंगलियां टेढ़ी भी नज़र आ रही होंगी, तो मैं नहीं काट सकती इतनी चीज़ें वगैरह, ना मेरे से कुछ बनता है। बच्चों ने बस खाना खा लिया, मेरी अम्मी के घर गए हुए थे,
अबू ने भी आप लोगों को सलाम दिया है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी ज़मान में रखे और ऐसी हज़ारों ईदें आप मनाएं खुशियों से, सलूक से, लड़ाई से पाक होकर, ऐसी सारी रंजिशें ख़त्म करके आप ऐसी हज़ारों ईदें मनाएं। थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ कर दें। आमीन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।